अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो भाई, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और सर्दी की वजह से परिंदों की कुछ ये होती है कि मतलब बुखार बुखार हो जाती है। तो बुखार का तो खैर मसला हल हो गया, वो ये है कि हम झंडा कमीशन लगा देते हैं, मगर शदीद सर्दी हो गई है। कल रात को तो वो मतलब पेशावर में -2 -1 इस तरह था, तकरीबन 1-2 बजे। तो सर्दी का कोई तोड़ है नहीं, बस गर्म खुराक देना होता है, और गर्म खुराक के साथ हम लोग चाहते हैं कि यार इसको ऐसी चीज़ें देता है कि मतलब ये गर्म रहे। बाकी इनकी जो हमने सेफ्टी का लिहाज से अगर देखें तो सेफ्टी हमने इनकी काफ़ी की होती थी, मतलब चादरें, तरपाल, प्लास्टिक शीट्स, मगर बड़ी जगह को कवर करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ मतलब कवरिंग का सिस्टम। ठीक जी, ये फुल हमने कवरिंग की है इसकी, और ये ऊपर ऊपर की साइड से भी बंद होता है। ठीक है, अच्छा अगर हम अपने केज के अंदर जाए ना, तो हमें तो गर्म लगता है क्योंकि हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं, मगर इन बेचारों का हमारे पास एक मुर्गी थी गंजी, एक तो उसने मार खाया था, ठीक है, और दूसरा अभी इसमें कोई और ऐसी है जो बीमार है मेरे ख्याल में होगी। ये तो ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर ना बंद होगा, खुलो हुआ ना बेहद होता देखे जी निकल ली इसके मुकाबले भाई तबारू बस। और अंडे शंडे भी आज नहीं है यार, अंडे क्या डालेंगे बेचारे। इधर भी अंडे नहीं है। अच्छा, तो इस वक्त इस पर इस तरह के कुछ देखिए, सारा कुछ कवर है। अब जो ऊपर ऊपर मतलब आ रहा है, इस बंद नहीं होता, और ये डबल डबल कपड़े लगे हैं इसको। अच्छा, रात को इसमें हीटर भी लगता है 150 वाट का, पर इस जगह को कौन गर्म करेगा भाई, ये बहुत बड़ी जगह है। और कल एक गंजी मर चुकी है, और रात को एक गंजी आई थी, उसका गला ये गंजी आई है, बच्ची है। और एक वाइट हमारे पास थी इस तरह की थी, वो मर चुकी है। पानी ले, दवाई ले, पानी लो, दवाई और पानी ले। देखे ये सारे हमारे पीछे आ रहे हैं। जो हमारी गंजी मरी है ना, तो उसके दो वजह हो सकते हैं। एक तो वजह ये थी कि असील ने उसे मारा भी था उसके गर्दन पर, फिर उसके बाद बीमार भी रही थी बेचारी, और फिर भी सर्वाइव किए तकरीबन 8 दिन, मगर आज तकरीबन 12-1 बजे वो मर चुकी थी। तो अभी हम बना रहे हैं वंडा। अपना दीक्षी भाई आया है। दीक्षी भाई की हाल है? ठीक हूँ यार। तू तो बड़े शायद पाए शायद कह रहा है, आज पाए भी है इसमें। हाँ, जल्दी करो, अभी देखो ना लेट हो रहा है ना। असल में हम इस तरह वक्त में आए हैं कि हमारा आज धुंध बहुत ज़्यादा था और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। देखिए यार, चुप कर यार, वैसे पंख पंख करते रहते हो, ये भी पंख पंख कर रहता है वल्ला, वैसे फजूल पंख पंख करते हैं ना। हाँ, अच्छा जी, तो इस तरह है कि अब हम देगची बनाएंगे अपना, ठीक है, और देगची के बाद फिर इसको डालेंगे मुर्गियों में। तब तक हम आपको दिखाते हैं अपना तूफान। तूफान जिंदाबाद। तो तूफान किया रे भाई, ले आओ इसका खुराक, तूफान का खुराक ले आओ। ये तूफान दिखाते हैं आपको। आज हम तूफान को ऊपर लेकर आए हैं थोड़ा सा, हमने कहा बहुत ठंडा है यार, चलो यार ठंडा भी कर लेता है, ठंडा खाओगे? चलो चलो, हाँ अंडे भी। तूफान बेटा खाओगे? हाँ खाओगे, ठंडा बहुत है यार, दुकान में लगे तुम्हें। हाँ, असल में तूने ना रात को 2 पिजन्स खाए हैं, और एक ये बटेर है जी, ये बटेर है।
इसको हम बटर कहते हैं। ये अब खुद पंजे में उठाएगा, चलो छोड़ो। देखो ये कभी हारता नहीं है, कहने में हार नहीं मानेगा ये। चल तूफान उठा, उठा भाई उठा, मैं तेरे पंजे में रखता हूँ और तू खुद का। तू नहीं कहेगा तो मैं इनको खिलाऊंगा, क्या नाम है, मुर्गियों को। अच्छा तो जल्दी करो शाबाला, टाइम नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी। ज़्यादा होने की वजह से फार्मूला थोड़ा सा चेंज किया हम लोगों ने। हम तो फार्मूले वाले लग रहे, तब फार्मूले बनाते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे, ले आओ सब, ले आओ सब, ले आओ सब, ले आओ सब, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, ये खून है अभी दगा था भी ना पक्के मना, ले आओ ले आओ। सर्दी बहुत ज़्यादा है यार, इंतहाई सर्दी है, इंतहाई कहते हैं ना, इंतहाई। सारा डाल दिया, ये खराब ना करिए, दो लो फिर। अच्छा दवी सा, ये कम डालना है, इसमें अदरक है ना, खोल दो ना भाई, इधर दो, हिला दिया, मेरे हाथ पर ना डाल। हाँ बस सर्दी ज्यादा है। सुल्तान तू मेरे ख्याल में आज बैठा, तू पूरा फुल है, फुल है, ये नहीं कहेगा तू, ले खा। यार खा ना, हाँ हाँ खा 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 खा, गोश्त है। बेटा गोश्त, ओए तेरी, सारे डर रहे हैं जी इससे जी। तो इसमें हमने सारा कुछ मिक्स कर लिया है और आखिर में चोकर डाल दिया, रोटी है, फार्मूले हमारे तीन फार्मूले हैं, ये पानी रख दिए, पानी अब रात को यहाँ पर होगा, इसको हम थोड़ा सा इसमें चोकर डालेंगे, सुबह तक ये जम जाएगा, तो इसको फिर हम दोपहर को खिलाते हैं। ये इधर दो, अब ये है देसी घी, आज बिल्कुल मेल्ट नहीं हुआ, इधर ले आओ। यार इसमें घी इस तरह नहीं डालते भाई, इधर दो मुझे, ज़्यादा है मुर्गे ना, घी हमारे पास काफ़ी मकदार में पड़ा हुआ है माशाल्लाह, और दुम्बे का भी पड़ा हुआ है हमारे पास। बस अब कमाल तेरे हाथ में है, ये पानी थोड़ा सा इसमें, ये वाला पानी इसमें उससे डाल लेना, उससे चल मिक्स कर अब मेरे कपड़ों से उधर। और ये सारे अब इंतज़ार में जी, इसमें बहुत से अब ठंड लगी है। फिर ये अजीब मुर्गा है, गंजा, इसमें हमने दवाई डाली है, ये तो वही भी होती है इस तरह के, मतलब वो एनडी वगैरह के लिए कंट्रोल हो जाए, एनडी तो है नहीं मगर ये है कि भी बुखार बहुत होता है इनको, तो इनमें जो बुखार वाली थी वो तो चली गई, और अब माशाल्लाह वो वाली बड़ी ख़राब हो गई थी, तो देखते हैं कि वो सेट है कि नहीं, लग तो रही है सेट ये वाली, मगर इसके बाल अब भी कड़े हैं। हाँ क्या ख़त्म, ख़त्म हो गया नीचे के लिए। हाँ तो ठीक है ना, बहुत ये बहुत है इनके लिए यार, ये दो दो को नहीं देना, अंडा पड़ा है, अंडा पड़ा है, अंडा वो सामने पड़ा है यार, दो पड़े हैं नीचे डाल रहे हैं अभी यार, इधर देखना, इधर आ, छोड़ वो छोड़, इसमें बहुत अंडे होंगे यार, ये देखो इधर, उधर उधर नहीं है, उधर मैंने देखे, उधर है यार, इधर आज नहीं डाले मगर नीचे इधर डाले, देखे मैंने कहा यार,
यहाँ पर घंट फड़े हुए अंडे नहीं है, ये अंडे पड़े दो एक तो चेक करो और भी होंगे इधर होंगे अंडे। को हंसाया इसलिए है कि एक भी कहता है कि अल्लाह पामान, दूसरा भी कहता है अल्लाह पामान, ठीक है अल्लाह पामान, एक ही बंदा कहा करो यार, या मुझे चौड़ा करो या खुद कहा करो। तो चले जी, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।